माई चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही लखनवी वाइट चिकन। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये रेसिपी मैं शेयर कर दूँ। तो चलिए देख लेते हैं शाही वाइट चिकन बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले तो चाहिए चिकन, और मैंने चिकन को अदरक लहसुन के पेस्ट में भिगो के रख दिया है। और यहाँ पे मैंने दो बड़ी प्याज काट ली है, और हमें यहाँ चाहिए एक क्रीम। मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम ली है, आप चाहिए तो आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं। ये है दही, और ये है कुछ मसाले। तो मसालों में हमने लिया है लौंग, छोटी इलायची, ज़ीरा, जौतरी, काली मिर्च, पिसी हुई धनिया और खसखस। और अब हमें क्या करना है, इसे हमें जार में डाल के पीस लेना है, और हमें पानी डाल के नहीं पीसना है, हमें इसे सूखा पीसना है। तो चलिए मैं मसाले पीस लेती हूँ पहले। अब मैंने मसाला पीस लिया, ये देखिए इस तरह से आपको भी पीसना है, ये सूखा मसाला है। तो चलिए गैस स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं अपना वीडियो। गैस ऑन हो गई है, पैन चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ तेल, दो बड़े चम्मच तेल। और ये रेसिपी है मिस्टर राशिद की। तेल गरम हो गया, तेल गरम हो गया। अब हम इसमें प्याज डालते हैं। गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा करना है, बस फ्राई हो जाए इतना करें। प्याज देखिए हो चुकी है, अब हम इसमें चिकन डाल देंगे और चिकन को इसमें फ्राई करेंगे अच्छे से। तो मैंने इसमें चिकन डाल दिया है, और इसको अच्छे से इसी में मैं फ्राई करूंगी, क्योंकि इसी में अदरक लहसुन मैंने मैरिनेट किया था ना चिकन को। तो हमें इसको अच्छे से और इसको फ्राई करना है इसके अंदर। तो चलिए इसको फ्राई होने देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखिए अच्छे से ये हो रहा है, इसको हम दो मिनट तक और फ्राई होने देंगे, बस दो मिनट और। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा। और नमक डालने के बाद मैं इसको एक मिनट और थोड़ा सा फ्राई करूंगी। एक मिनट हो गया इसे मुझे फ्राई करते करते। अब मैं इसमें दही डाल देंगे, अब मुझे इसमें दही डालना है। दही डालने के बाद अच्छे से चला के इसे हमें पकने के लिए छोड़ देना है 5 मिनट। अब हमें इसे ढक देना है और इसको 5 मिनट तक पकने देना है। इसमें अभी तक हमने कोई भी पानी नहीं डाला है, आप हमें ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने कोई भी पानी नहीं डाला है। अब मैं इसको ढक दूंगी और 5 मिनट तक इसको पकने ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने ये सूखे वाले मसाले जो हमने पीसे थे, और अच्छे से इसको हम पकने देंगे। और इसमें आप ध्यान रखिएगा, हमने पानी कोई नहीं डाला है, और आप भी पानी मत डालिएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक ढक के पकाएंगे, कवर करके, और मीडियम उस पर मीडियम गैस पे बनाएंगे। अब हम इसको रख दे रहे हैं 10 मिनट के लिए। ये 5 से 10 मिनट तक हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ अमूल की फ्रेश क्रीम।
अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है स्लो आंच पे। अब ये बस एक मिनट के लिए और हम इसे ढकेंगे और ये बनके हो गया तैयार। मैंने गैस बंद कर दी है और देखिए मेरा ये चिकन अच्छे से पक गया है, इसने सारा तेल छोड़ दिया है। अब मैं आपको अभी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए ये इसने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है, तो चलिए आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। गार्निश करने के लिए ये यहाँ पे प्याज टमाटर हरी मिर्ची से सजाएंगे। आप जैसा चाहें आप अपनी प्लेटिंग कर सकते हैं। देखिए इसका फाइनल लुक ये आया है और ये दिखने में जितनी खूबसूरत डिश लग रही है खाने में उतनी लजीज लगेगी और इसमें टाइम भी नहीं लगता है। सिर्फ 15 मिनट के अंदर ये व्हाइट चिकन बनके तैयार हो जाता है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें, फिर मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको जरा से भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी और चिकन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।